क्या गाइस आप भी अपने मोबाइल फोन पर GTA 5 या और कोई भी बड़ा पीसी का गेम खेलना चाहते हो, जैसे गॉड ऑफ वॉर या आप रेड रिडेम्पशन या कोई भी बड़ा पीसी का गेम अपने मोबाइल फोन पर खेलना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। आप अपने मोबाइल फोन पर कोई भी बड़ा गेम है वो बिल्कुल फ्री में प्ले कर पाओगे। तो वो आप कैसे करोगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज एक टाइम था कि मैंने GTA 5 को अपने मोबाइल फ़ोन में चलाने के लिए गाइज 100 से ज़्यादा वीडियो देखी थी, लेकिन मैं अपने मोबाइल फ़ोन में GTA 5 को नहीं चला पाया। तो GTA 5 या कोई भी बड़ा गेम अगर आप ये वीडियो देखते हो तो ये कोई फेक वीडियो नहीं है, आप चला पाओगे। तो सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना जो मैं आपको बताऊँगा। तो गाइज इतने बड़े गेम को हम अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर डाउनलोड नहीं कर सकते, क्योंकि गाइज इस गेम की स्टोरेज बहुत ही ज़्यादा थी, 100 GB से भी ज़्यादा बड़ा गेम है। इसलिए गाइज इस गेम को चलाने के लिए हमें एक एमुलेटर की ज़रूरत होगी जिसका नाम है चीकी एमुलेटर, और एक VPN का यूज़ करेंगे जिसका नाम है क्विक VPN। VPN आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन एमुलेटर आपको चीकी एमुलेटर यूज़ करना है। पहले गाइज आपको इस एमुलेटर में साइनअप कर लेना है फेसबुक से या गूगल से, आप किसी भी अकाउंट से साइनअप कर सकते हो और ये ऐप बिल्कुल सेफ है, आपके फ़ोन में कोई वायरस वगैरह कुछ नहीं आएगा। सो सबसे पहले आपको साइनअप करना है। साइनअप करते ही गाइज आपको कुछ कॉइन्स मिल जाएंगे, और उन कॉइन्स को जैसे आप देख सकते हो मेरे पास 97 कॉइन है। फिर गाइज आपको अपने प्रोफाइल में जाना होगा, नीचे राइट साइड में आपको एक छोटा सा मी का ऑप्शन देखेगा, मी पर क्लिक करने के गाइज आपको फिर ये तीन ऑप्शन मिलेंगे, डेली वीकली और एक ये है। सो फिर आप तीनों ऑप्शन में से आपको डेली मिशन मिलेंगे, वीकली मिशन मिलेंगे और मंथली मिशन भी मिलेंगे। सो आप इनको जैसे जैसे कंप्लीट करोगे तो उसके एक बदले आपको टोकन्स मिलेंगे, और आपको कुछ एड्स को देखकर भी ये टोकन्स कलेक्ट कर सकते हो। और गाइज इन टोकन्स को कलेक्ट करने के बाद इन टोकन्स से आप गेम खेल सकते हो, और ये गेम्स आप एक दिन में लगभग 1 घंटे के आसपास आप गेम खेल पाओगे इन टोकन्स को कलेक्ट करने के लिए। जैसे गाइज ये एक गिफ्ट बॉक्स है, इस गिफ्ट बॉक्स को खोलने के बाद गाइज आपको 7 ऐड देखने पड़ेंगे, और उनके बदले फिर आपको ये टोकन मिलेंगे। इन टोकन के बदले आप एक्सचेंज कर अपने लिए कॉइन्स कलेक्ट कर सकते हो, और गाइज आप टॉप अप भी कर सकते हो, यानी कुछ पैसों में भी आप कॉइन्स कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हमें पैसे खर्च नहीं करने हैं, हमें फ्री में गेम खेलना है। तो उसके लिए गाइज हमें ऐड देखना होगा, और गाइज गेम आपका बिल्कुल भी लैग नहीं करेगा। मेरा गेम लैग कर रहा था क्योंकि गाइज मेरा इंटरनेट बहुत ही बेकार था। तो गाइज एक ये फ्रूट वाला मिशन भी है जिसमें वीकली इवेंट आते हैं, तो वीकली इवेंट में हमें इन फ्रूट्स को कुछ ऐसी पोजीशन में रखना है कि ये कंप्लीट एक लाइन में आ जाए, तो उससे भी आपको टोकन मिलेंगे। सो गाइज सबसे पहले हम क्विक VPN को ऑन कर मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि गेम्स रन होते हैं या नहीं, क्योंकि कई लोग सोच रहे हैं कि भाई ये बेवकूफ़ बना रहा है, गेम वगैरह नहीं चलेगा। तो गाइज अभी मैं USA के सर्वर से कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि गाइज USA के सर्वर से फास्ट गेम चलता है जो मैंने देखा है। अगर आपका किसी और सर्वर से फास्ट गेम में एंटर हो पाओ तो और कोई फास्ट सर्वर आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी गाइज देख सकते हो आप 97 पीपल्स हैं इसमें 60 मिनट के आसपास। तो ये GTA 5 में एंटर होना चाहो तो अभी हम होंगे गॉड ऑफ वॉर में एंटर। सो अब हम खेलने वाले हैं गॉड ऑफ वॉर। सो गाइज गॉड ऑफ वॉर में जाना है, और आपको फिर प्ले के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और प्ले के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइज आपका गॉड ऑफ वॉर गेम स्टार्ट हो जाएगा। गाइज इस एमुलेटर की मुझे एक बात ये थोड़ी अजीब लगती है कि इसमें छोटी स्क्रीन होने की वजह से जो कंट्रोल्स हैं वो थोड़े हार्ड हैं, लेकिन गाइज मज़ा पूरा आता है गेम्स का, पूरी स्टोरी इंजॉय होती है, गेम बिल्कुल लैग नहीं होता। बस मेरा नेटवर्क ख़राब था जिसकी वजह से मेरा गेम लैग कर रहा था। सो अभी आप देख सकते हो ये मेरा गॉड ऑफ वॉर चल गया है। तो गाइज मैंने थोड़ी और भी क्लिप बनाई थी, मैंने और गेम्स भी ट्राई करी थी, लेकिन क्या बताऊँ मेरे जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी वो क्रैश हो गई। सो अभी मैंने 2 ही गेम्स की रिकॉर्डिंग ये आपको दिखा रहा हूँ, गॉड ऑफ वॉर की दिखाई है और एक GTA 5 की दिखाई है। अगर ये वीडियो में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है गेम्स को चलाने में तो आप कमेंट कर बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, और ऐसे ही वीडियोस आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।